क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्कसाइट ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस यहाँ पे पर्कसाइट ऑफ मोटर कार को बस कैलकुलेट करना है ए पार्ट लार्ज कार ऑल एक्सपेंसेज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर विच आर वन लाख पर एन द कॉस्ट ऑफ द कार इज फाइव लाख द कार इज सोनली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज ऑफ द एम्प्लॉय हम इसको पॉइंट वाइज देखते जाते हैं सबसे पहले ए पार्ट की बात हो रही है तो ए पार्ट में कह रहा है लार्ज कार है हमको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि ओन कौन कर रहा है तो ओन कर रहा है एम्प्लॉयर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ठीक है तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे और, और इसमें बोल रहा है कि सिर्फ प्राइवेट परपज़ के लिए यूज़ हो रही है तो जब मैंने बताया था मोटर कार के बारे में फिर देख लेते हैं रिवाइज भी हो जाएगा कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर जब प्राइवेट परपज़ के लिए यूज़ होता है और ये कंडीशन है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर उठा रहा होता है तो और सिर्फ प्राइवेट परपज़ के लिए तो फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो दिया होगा वो प्लस उसमें करेंगे रेमूनरेशन जो ड्राइवर को पे हुआ है प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट टेन परसेंट पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार फिर उसके बाद लेस कर देंगे इफ़ एनी अमाउंट चार्ज फॉर एम्प्लॉय टैक्सीबल वैल्यू आ जाएगा सेकेंड पार्ट देखते हैं बी पार्ट में बोल रहा है लार्ज कार इसमें भी लार्ज कार की बात है मेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ढूंढना है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर तो तुरंत याद आना चाहिए ये पढ़ते ही यहाँ पे बताया था मैंने ये लिखा हुआ है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा है तो बिग कार के केस में 2400 पर मंथ स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ अगर साथ में ड्राइवर भी प्रोवाइड है तो 900 पर मंथ तो ये लार्ज कार की बात हो रही है बोथ यूज़ के लिए तो चौबीस सौ इंटू ट्वेल्व कर देंगे और कुछ दे नहीं रखा है सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट में बोला है स्मॉल कार मेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़ ये भी बोथ यूज़ के लिए है। लेकिन ऑल एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय एम्प्लॉयर शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज इसका मतलब है शॉफर का मतलब है, ड्राइवर कहना चाह रहा है expense, तो फिर से हम में क्या ढूंढना है ओंड बायर एंड एक्सपेंसिज बायर तो ये भी सेम कंडीशन फिर से देखते हैं ओन्ड बायर एंड एक्सपेंसिस बायप्लॉयर स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ 1800 सौ इंटू ट्वेल्व ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है तो प्लस नाइन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व लास्ट पार्ट लार्ज कार मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज ठीक है प्राइवेट एक्सपेंसेज आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉय इससे मतलब नहीं सिर्फ प्राइवेट दिए तो ऑफिशियल मान लेंगे कि यहाँ एम्प्लॉयर कर रहा है तो उससे मतलब नहीं यहाँ सिर्फ लिखा है प्राइवेट एक्सपेंसिस आर बॉर्न बाय एम्प्लॉय तो इसको ऐसे पढ़ेंगे ओन बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंसेज बाय एम्प्लॉय तो ये भी कंडीशन हमने पढ़ा है ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेज बाय एम्प्लॉय तो उस कंडीशन में बिग कार है तो 900 पर मंथ स्मॉल कार है तो 600 पर मंथ ड्राइवर है तो 900 पर मंथ तो ये जो है ये कंडीशन है बिग कार की तो 900 हंड्रेड इंटू हो जाएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसका 11 ए पार्ट ए पार्ट में लार्ज कार की बात हो रही है सबसे पहले आप लोग ये मत लिखना बोलना ये लिख लोगे तो ईजी रहेगा ओन बाय एम्प्लॉयर एंड बाय एम्प्लॉयर क्योंकि यहाँ कौन ओन कर रहा है और कौन एक्सपेंस कर रहा है उससे ही क्वेश्चन बदल जाता है तो ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है ये पार्ट में बाय एम्प्लॉयर उसके बाद आप देखेंगे कौन से यूज की बात कर रहा है तो फर्स्ट केस में बात कर रहा है सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए तो प्राइवेट यूज का फॉर्मूला लगाएंगे प्राइवेट यूज का प्राइवेट यूज का फॉर्मूला ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर के केस में है सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ कार जो भी एक्चुअल दे रखा है तो बोला गया ऑल एक्सपेंसिस बॉन बाय वन लाख पैर तो सीधे आउटर कॉलम में वन लाख रुपीज उसके बाद हम क्या लेते हैं इसमें एड क्या करते हैं एड करते हैं रेमूनरेशन पेड टू ड्राइवर वो है नहीं इसमें और लिखा हुआ है क्या कि कॉस्ट ऑफ़ द कार इज़ फाइव लाख तो हमने इसमें पढ़ा है हम लेते हैं टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन सॉरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है कार की फाइव लाख ,00 रुपीज़ है तो फाइव लाख रुपीज़ का फाइव लाख ,00 का टेन परसेंट तो आ गया फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ इसको एड कर देंगे कि आ गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और इसमें से लेस करते हैं इफ एनी अमाउंट पेड बाय बायप्लॉय तो वो दे नहीं रखा है तो यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ए केस में टैक्सेबल वैल्यू आ गई वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बी केस देखते हैं फिर से वही चीज सबसे पहले क्वेश्चन हमको देखना है ओन कौन कर रहा है एक्सपेंस कौन कर रहा है तो ओन तो चारों केस में ही ओन्ड बाय इंप्लॉयर है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंस इसमें भी बी की भी केस में एक्सपेंस लिखा हुआ है साफ साफ ऑल एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर तो एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो और इसमें है क्या सिर्फ लार्ज कार दे रखा है मेंट फॉर बोथ यूज तो बोथ यूज के कंडीशन में बोथ यूज के कंडीशन में जब ओन भी इम्प्लॉयर करता है एक्सपेंसिस भी इंप्लायर कर रहा है तो फिर इसका होता है और बोथ इसी कंडीशन में लार्ज कार तो लार्ज कार का होता है ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ होता है तो यानी ये हो गया पर ईयर का ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व पर एनम निकालने के लिए या नीचे लिख देते हैं ताकि इजी रहेगा समझने में ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व पर एन के लिए हो गया तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व करके ये कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ तो बस इसमें और कुछ निकालना नहीं है ड्राइवर दिया होता तो इसमें ऐड कर लेते नाइन हंड्रेड पर मंथ नाइन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व तो केवल ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड उसके बाद अब सी पार्ट देख लेते हैं फिर सबसे पहले हमको ये लिखना है ओन्ड बाय तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेज बाय तो एक्सपेंसेस कौन कर रहा है सी में ऑल एक्सपेंसेज आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर तो एक्सपेंसिस भी इम्प्लॉयर कर रहा है इस भी कंडीशन में तो जब ओन भी एम्प्लॉयर करता है एक्सपेंसेज भी इम्प्लॉयर कर रहा है अब देख लेते हैं कौन सी कार दे रहे हैं तो स्मॉल कार ओन करते हैं तो स्मॉल कार दे रहा है एम्प्लॉयर तो इस्मॉलॉल कार के के केस में होता है एटीन हंड्रेड पर मंथ ये एटीन हंड्रेड पर मंथ तब है जब ओन भी इम्प्लॉयर कर रहा है और एक्सपेंसिस भी इंप्लायर कर रहा है और स्मॉल कार है तो एटीन हंड्रेड पर मंथ उसके बाद इसमें तो फिर ये पहले पर एनम का निकाल देंगे एटीन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ये पर एनम का आ जाएगा एटीन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व एटीन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व आ गया ट्वेंटी वन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राइवर शॉफर में तो वही ड्राइवर होता है तो ड्राइवर भी प्रोवाइड है तो ड्राइवर का भी फिक्स है इसमें ड्राइवर तो दोनों ही कंडीशन में नाइन हंड्रेड पर मंथ है तो नाइन हंड्रेड पर मंथ है ड्राइवर तो नाइन हंड्रेड इंटू हो गया ये पर एन का तो नाइन हंड्रेड इंटू ट्व यह आ गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इसको एड कर देंगे या गया रुपीज। लास्ट देख लेते हैं। डी पार्ट डी पार्ट में बोल रहा है लार्ज कार उससे मतलब सबसे पहले हमारा काम है ये लिखना कि ओन कौन करता है ओन बाय एम्प्लॉयर आपको फॉर्मूला तो इसमें रखना ही पड़ेगा जब तक तो फॉर्मूला नहीं रटेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर में क्या है ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय बायोई में क्या है इसलिए तो ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय तो यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय ऑफिशियली उसका नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे कि ये ऑफिशियली उसका एम्प्लॉयर उठा रहे हैं तो उसमें उससे मतलब नहीं तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय तो ये थोड़ा अलग कंडीशन आया है अभी तक हम सिर्फ ओन बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस बाय ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर पढ़ ले थे अब आ गया ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय तो इस कंडीशन में लार्ज कार है और बोथ यूज के लिए है सी में भी यहाँ पे बोथ यूज था डी में डी में भी तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय है और लार्ज कार है, तो लार्ज कार का इसमें होता है जब ओन कर रहा है एम्प्लॉय एंड बाय एम्प्लॉय लार्ज कार का होता है नाइन पर मंथ लार्ज कार का स्मॉल कार का होता है 600 पर मंथ और ड्राइवर का तो मैंने बोला ना दोनों में सेम होगा 900 पर मंथ तो इसमें सिर्फ लार्ज कार गिवन है तो 900 पर मंथ यानि कि 900 हंड्रेड इंटू ये पर एनम का आ जाएगा 900 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व आ गया आपका 10,800 थाउजेंड यही आंसर हो जाएगा 10,800 थाउजेंड टैक्सेबल टैक्सीबल वैल्यू ऑफ पर्किसाइड्स तो डी के केस में टैक्सीबल वैल्यू हो जाएगी टेन थाउजेंड एट हंड्रेड वैसे ही आप हर उसमें देख रहे हैं यहाँ टैक्सीबल वैल्यू हो गई थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड वैसे ही बी में कुछ आया है ए में कुछ आया है